अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मिया एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ लेकिन इंग्लिश अल्फाज दिमाग में नहीं आते। ये मसला, ये प्रॉब्लम हम सब लोगों के साथ पेश आता है। जब मैंने भी इंग्लिश सीखना शुरू की थी तो मेरे माइंड में भी ये मसला, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आता था। तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, या जब भी मुझसे मेरे स्टूडेंट्स या मेरे सब्सक्राइबर्स ये पूछते हैं कि जी हमारे साथ भी ये मसला आता है तो उसका हमारे पास क्या हल है, तो मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ। इसके दो सलूशन हैं। पहला सलूशन तो ये है कि जब भी आप इंग्लिश में बात करना चाहें, जो आप बोलना चाहते हैं उनसे रिलेटेड इंग्लिश में अल्फाज आपके माइंड में ना आए तो उसकी पहले से प्रेपरेशन करें। मीन टू से कि अगर एक सिचुएशनल बेस्ड पे आपके माइंड में एग्जैक्ट इंग्लिश का वर्ड नहीं आ रहा तो उसका सिनोनिम, फिर उसका सिनोनिम, फिर उसका सिनोनिम आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं पे एक वर्ड यूज़ करना है ब्यूटीफुल, खूबसूरत के लिए हम ब्यूटीफुल यूज़ करते हैं लेकिन आपके माइंड में ये नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपके पास और भी सब्स्टिट्यूशन होने चाहिए। मतलब आप ब्यूटीफुल नहीं आ रहा तो अट्रैक्टिव आपके माइंड में आना चाहिए, फैंसीफुल, मार्वलस, गॉर्जियस, इस तरह के अल्फाज आपके माइंड में होने चाहिए। यानी कि एक वर्ड के सिनोनिम्स याद कर लेंगे तो आपका ये मसला हल हो सकता है। दूसरा ये है कि आप अपने पास डिक्शनरी रखें। देखिए, आजकल के दौर में अपने पास डिक्शनरी रखना कोई मुश्किल नहीं है। आपका जो सेलफोन है उसमें आप एक से ज़्यादा डिक्शनरीज रख सकते हैं, तो उसमें आप इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, ये दोनों डिक्शनरीज रखें। तो आपको कोई भी उर्दू का वर्ड जिसके आपको इंग्लिश में मीनिंग्स नहीं आ रहे तो आप उस डिक्शनरी में उर्दू का वो वर्ड लिखें तो आपको उसकी इंग्लिश पता चल जाएगी कि इसकी इंग्लिश ये है। तो इस तरह से आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इंग्लिश बोलना उस वक्त आ जाता है, या मैं अपने स्टूडेंट्स को, जब मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं जी हमें एक माह हो गया है, दो माह हो गए हैं, तीन माह हो गए हैं, तो क्या हम इस एबल हो गए हैं कि हम इंग्लिश प्रॉपरली बोल सकते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूं कि देखें, इसको आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। जब आप किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं इंग्लिश में बात करते हुए, यानी कि आप उस सिचुएशन को अपने माइंड के अकॉर्डिंगली आप समझते हैं कि इसको मैं कवर कर लूँगा, तो उस वक्त आप इंग्लिश में अच्छे हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम इन दो सॉल्यूशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में इनसे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेके आया हूँ जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपने इस मसले को भी हल कर सकते हैं और नए उर्दू के अल्फाज की इंग्लिश भी सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे जो चाहिए मैं ढूंढ लूंगा, इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आई फाइंड व्हाट आई नीड। देखिए, मैं जब इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करता हूँ तो साथ साथ में अगर आप भी इसको प्रोनाउंस करेंगे इंग्लिश में, यानी कि आप भी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे आपकी इंग्लिश बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। आई फाइंड व्हाट आई नीड। तुम यहाँ किस लिए आए हो? देखिए, ये डेली बेसिस पे इस्तेमाल होने वाला सेंटेंस है। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, फॉर व्हाट Have you come here? For what have you come here? For what have you come here? उसका खाने का तरीका अच्छा नहीं है। कोई आपका कोलीग है या जानने वाला है तो वो खाना जैसे भी खाता है, आपको उसका खाना खाने का तरीका अच्छा नहीं लगता, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे, His way of eating is not good. His way of eating is not good.
मैं देखता हूँ वहाँ। आपको कोई कहता है कि जी ये चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, मैंने उसे बहुत ढूंढा है लेकिन मुझे नहीं मिली, तो आप उसे कहते हैं मैं देखता हूँ वहाँ। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट मी हैव अ लुक ओवर देयर, लेट मी हैव अ लुक ओवर देयर, लेट मी हैव अ लुक ओवर देयर। आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी किसी सेंटेंस के एंड पे, किसी वर्ड के एंड पे रा साउंड आता है तो मैं उसको प्रोनाउंस नहीं करता, एक्चुअली उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती। जिस तरह इस सेंटेंस के एंड पे देयर है तो इसको हम देयर प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे देयर। लेट मी हैव अ लुक ओवर देयर, देखिए ओवर भी नहीं प्रोनाउंस नहीं करेंगे और देयर भी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ओवर देयर, लेट मी हैव अ लुक ओवर देयर। दरवाजे पे मैं था, आई वॉज एट द डोर, आई वॉज एट द डोर, आई वॉज एट द डोर। वो वहां किसके साथ है, विद होम इज ही देयर, विद होम इज ही देयर, विद होम इज ही देयर। क्या तुम कोई और हो, आपने किसी को कॉल की और आगे से जिससे आप बात करना चाह रहे थे वो नहीं है, कोई और है, तो आप उसे कहते हैं क्या तुम कोई और हो। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे आर यू समवन एल्स, आर यू समवन एल्स, आर यू समवन एल्स। क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं, आप किसी को गुस्से में या जैसे भी कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं, तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे एम आई नो वन टू यू, एम आई नो वन टू यू, एम आई नो वन टू यू। मेरा कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा, आई डोंट फील लाइक डूइंग any work, I don't feel like doing any work, I don't feel like doing any work। वो किसके साथ गया था वहां, with whom did he go there, with whom did he go there। मैं किसी का दोस्त हूं, आई एम somebody's फ्रेंड, आई एम somebody's फ्रेंड, आई एम somebody's फ्रेंड। मेरी किताब किस बच्चे के पास है, विच किड हैज माई बुक, विच किड हैज माई बुक, विच किड हैज माई बुक। वेल फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे और आप डेली बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।